हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है फिर से हमारे एक और नए वीडियो पे, और आप देख रहे हो व्हाइट स्मार्टी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस टॉपिक जो बहुत ही यूट्यूब पे सर्चेबल टॉपिक है, जो आप बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देख देख के परेशान हो गए हो कि आप भी परेशान हो अपना ऑडियो को चेंज करने का, अपना जो ऑडियो है जो कि आप रील्स मेक कर रहे हो या आप यूट्यूब का वीडियोज़ मेक कर रहे हो और आपका ऑडियो मतलब कि बदतर हो रहा है, यानी कि मतलब कि आप रिकॉर्डिंग तो ठीक कर रहे हो, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग ठीक कर रहे हो, वीडियो क्वालिटी ठीक दे रहे हो, बट आप अपना ऑडियो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हो, अपना ऑडियो को पूरा इंक्रीज करना चाहते हो, अपना ऑडियो के पीछे से पूरा बैकग्राउंड नॉइस को हटाना चाहते हो, अपना ऑडियो पूरा परफेक्ट एकदम बोले तो 10,000 का माइक की तरह निकलवाना चाहते हो, तो आज के वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए मैं बनाया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आप देख रहे हैं व्हाइट स्मार्टी यूट्यूब चैनल, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से नीचे जाके लाल वाला बटन को दबा के ग्रे कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग टॉपिक अपने यूट्यूब वीडियोज पे अपलोड करते रहता हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो जल्दी जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। और ये ध्यान रहे आपको ये वीडियो पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको एकदम एग्जैक्टली समझ में आने वाला है कि इस वीडियो के बाद आप ऐसा कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं देखिएगा, कि ये वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो जरूरत नहीं पड़ने वाला है अपने ऑडियो को रिलेटेड लेके। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है आपका सॉल्व हो जाने वाला है 110%। आप मेरा सादे कागज में लिख के ले लो मेरे से। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना ऑडियो को इंक्रीज कर सकते हो और बैकग्राउंड नॉइज को कैंसिल कर सकते हो इजीली। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इस ऑडियो एडिटिंग के लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल पे, और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस ऑडियो को सिंपली एडिट कर सकते हो। तो उस एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद इजीली उसे यूज़ कर सकते हो। अब आपको दिखाता हूँ अपने मोबाइल पर कैसे आप उस एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने ऑडियो को, अपने बैकग्राउंड नॉइस को हटा सकते हो और अपने ऑडियो को लाउड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, आपको मेरे यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पॉपअप हो रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और वो किस टाइप का दिखता है, वो मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो सिंपली आपको ई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिस एप्लीकेशन का नाम है लेक्सस ऑडियो एडिटर। आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाइएगा और ये एप्लीकेशन का नाम लिखिएगा, आपको सिंपली प्ले स्टोर पर फर्स्ट में मिल जाएगा। इसका रेटिंग है 4.6 का रेटिंग है, आप सिंपली 4.4 या 5 या 6 का रेटिंग, आप सिंपली इसे इंस्टॉल करके अपने मोबाइल पे इसे एडिट कर सकते हो। अब मैं इसका ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ऑडियो को, बैकग्राउंड नॉइज को हटा सकते हो और अपना ऑडियो को लाउड कर सकते हो। तो आपको सिंपली एक ऑडियो को पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर लाइव पे मैं रिकॉर्ड करके बताऊंगा और उसे एडिट करके बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट आपको वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना है, तभी आप सीख पाइएगा। और कोई और यूट्यूबर्स के पास नहीं जाइएगा कि मैं इतना ही बता दूंगा आपको, कि आप कोई और यूट्यूबर्स के पास जाने का नौबत ही नहीं रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे उसे एडिट करना है। सिंपली मैं अपना रिकॉर्डर खोलता हूं और रिकॉर्डर खोलने के बाद यहां पर मैं कोई भी वॉइस रिकॉर्ड कर लेता हूं। अगर आप यूट्यूब वीडियो मेक कर रहे हो, अगर आप रील्स वीडियो मेक कर रहे हो, तो आपके पास अगर माइक नहीं है, अगर ऐसा माइक आप परचेस नहीं कर सकते हो, तो आपके पास ऐसा ईयरफोन होगा। आप ईयरफोन को क्या करो, आप सिंपली ईयरफोन का जो जैक होता है, सिंपली इस जैक को अपने मोबाइल पे घुसा दो इसके अंदर, ठीक है, पिन घुसा दो। और पिन घुसाने के बाद आपका जो यहाँ पर माइक होता है, ये माइक को क्या करो, अपने शर्ट के अंदर से लाकर अपने माइक को इधर रख लो, ठीक है। इधर रखने के बाद और अपने मोबाइल को अपने पॉकेट में रख लो, और पॉकेट में रखने के बाद अब आप यूट्यूब का वीडियो मेक करो, अब आप रील्स मेक करो, बट यहाँ से आपको स्टार्ट करना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करके दिखाता हूँ, अब आपको फिर रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ, एडिट करके दिखाता हूँ। तो सिंपली एक मैं वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपको फिर से हमारे एक और नए वीडियो पे, और आज के वीडियो पे मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि कैसे ऑडियो को आप क्लियर आवाज़ पे बना सकते हो। तो देख सकते हैं मेरा एक रिकॉर्ड हो गया ये आवाज़। अब मैं इस फाइल, इस सेव रिकॉर्डर को कुछ नाम से सेव कर लूँगा, हाउ टू मेक क्लियर साउंड, ठीक है। ये मैं इस टॉपिक को लिख के
इस रिकॉर्डर को सेव कर लूँगा और सेव करने के बाद थ्री डॉट पे जाऊँगा और देख सकते हैं मेरे यहाँ पर आ रहा हाउ टू मेक क्लियर साउंड। इस पर मैं टैप करके रखूँगा और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा सेव एस का, सेव एस पे क्लिक करूँगा और अपने फाइल पे यूज़ दिस फोल्डर पे क्लिक कर दूँगा और अलाउ पे सेलेक्ट कर दूँगा। अगर आपका मोबाइल पे ऐसा आता है तो आप ऐसा कर लो, नहीं तो आपका जो आप एप्लीकेशन जब ओपन करोगे तो आपका उसमें फाइल ये शो करेगा ही नहीं हाउ टू मेक क्लियर साउंड। अब आप यहाँ पर आपको मिनिमाइज कर लेना है। अब आपको दिखलाता हूँ अपने एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन को कि कैसे इसमें एडिट करना है। तो थोड़ा मेरा साइड हट जाता हूँ और साइड हटने के बाद आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा वो स्क्रीन, इसलिए मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। ओपन कर लेता हूँ एप्लीकेशन को। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो कि आपको मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब आप यहाँ पर देख के अब आप यहाँ पर सब सीख सकते हो। आपको सिंपली ये जो मैं पहले एडिट किया था और इस एडिटर को मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, ओपन पे क्लिक करना है। आपको दूसरा एडिट करना है तो आप सिंपली वो वाला ऑडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। देख सकते हैं मेरा ऑडियो सबसे नीचे आ गया, यूट्यूब चैनल इंट्रो, ठीक है। ये मेरा ऑडियो नहीं था, मेरा ऑडियो क्या था, हाउ टू मेक क्लियर साउंड। तो इसे मैं सिंपली टैप कर देता हूँ और टैप करने के बाद ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते हैं मेरा यही ऑडियो था, मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपको फिर से हमारे एक और नए वीडियो पे। और आज के वीडियो पे मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि कैसे ऑडियो को आप क्लियर आवाज़ पे बना सकते हो। तो देख सकते हैं आप मेरा ऑडियो सुने, बहुत अच्छा से सुने। अब आप इसको एडिट करके आपको आपके सामने दिखाता हूँ कैसे इसे एडिट किया जाए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है मैं आपको बतलाता हूँ। आपको सिंपली इसे प्ले करना है और आप यहाँ पर आपको चरकुट का ऑप्शन दिख रहा होगा लास्ट में 5वां नंबर में, उसे टैप करना है और टैप करने के बाद आपको ऊपर में थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सिंपली इसे टैप करना है और टैप करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट दिख जा रहा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। आप यहाँ पर अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, शेयर आप यहाँ पर कर सकते हो। तो सिंपली आपको इफेक्ट पर टैप करना है और इफेक्ट पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा इफेक्ट दिख जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइज, रिवर्स, अपना साउंड को रिवर्स कर सकते हो, अपना साउंड को चेंज कर सकते हो, चेंज टेम्पो, चेंज स्पीड, अपना साउंड को स्पीड कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, नॉइज़ रिडक्शन, अपने साउंड का जो बैकग्राउंड नॉइज़ होता है उसको रिडक्शन कर सकते हो, कंप्रेसर कर सकते हो, इको कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, एम्पलीफायर, यानी कि आप जब एम्पलीफायर पर सेलेक्ट करोगे तो आपका एम्पलीफायर जैसा आपका साउंड हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली दो स्टेप करना है आपको इस एप्लीकेशन की मदद से, तो आपका जो वॉइस है वो बहुत ही अच्छा क्लियर और अच्छा साउंड हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मलाइज का ऑप्शन है तो सिंपली आप नॉर्मलाइज पर टैप कर दो और टैप करने के बाद ये सिंपली अप्लाई हो जाएगा। आप अब आपको मैं दिखाता हूँ अपना ऑडियो को प्ले करके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपको फिर से हमारे एक और नए वीडियो पे। तो देख सकते हैं मेरा ऑडियो कितना चेंज हो गया है पहले से। अब मैं आपको फिर थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे में 4वां नंबर पे अंडो का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो आपका जो इफेक्ट लगा वो हट जाएगा। तो इफेक्ट पर फिर से क्लिक करना है और आपको यहाँ पर क्या करना है, नॉइस रिडक्शन पर क्लिक कर देना। जैसे कि आप नॉइस रिडक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ग्राफ खुल के सामने आपके स्क्रीन पर पॉपअप होगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर सिस्टम पहले से ही ऐसा है कि आपका जो नॉइस है उसको एप्लीकेशन ही आपका नॉइस को रिडक्शन कर देगा, यानी कि इसे सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना। आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपका नॉइस जो बैकग्राउंड नॉइस है वो हट जाएगा। अब मैं आपको अपना ऑडियो प्ले करके दिखलाता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपको फिर से हमारे एक और नए वीडियो पे। और आज के वीडियो पे तो देख सकते हैं मेरा ऑडियो कितना पहले से अच्छा हो गया और कितना अच्छा क्लियर आवाज़ में आ रहा है। अब मैं फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इफेक्ट पर टैप करके कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऐसा है। अगर आप इको पर टैप करोगे तो आपको दिखाता हूँ कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, पहले से ऐसा साउंड है, तो मैं इको पर टैप करके दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर ऑडियो को चेंज किया जाता है। यहाँ पर मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अपना ऑडियो को फिर से प्ले करता हूँ। हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है हमारे वीडियो और नए वीडियो पे। तो देख सकते हैं मेरा ऑडियो कैसे प्ले हो रहा है, कैसे आवाज़ आ रहा है मेरा ऑडियो पे। यहाँ पर ये एप्लीकेशन काम कर रहा है, ऐसा नहीं लगे कि ये एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है। फिर से मैं थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, ये जो इफेक्ट लगाया था मैं इसे हटा देता हूँ अंडो पे क्लिक करके। अब मैं यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप ऐसा बहुत सारा यूज़ कर सकते हो यहाँ पर ऑप्शन, और अपना यूज़ करके आप जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद ये सब जितना जितना इफेक्ट है आप जब यूज़ करोगे तो आप यूज़ करने के बाद अपना
जो आपका जो ये ऑडियो है यहाँ पर मेक करके आप यहाँ पर ऊपर में सेव का बटन दिख रहा होगा, सेव पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप कोई भी नाम से यहाँ पर सेव कर सकते हो। जैसे कि ये है, यहाँ पर टूप करके डन कर दिया और डन करने के बाद सेव कर दूंगा तो ये वाला ऑडियो मेरे फाइल पे सेव हो जाएगा। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही हेल्पफुल भी होगा आपके लिए। आप जल्दी से जाओ ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और इसे यूज़ करो और 110% इसका जो बोले तो इसका 110% आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो जल्दी से जाओ अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम पे आओ और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पर एप्लीकेशन अवेलेबल है। और मैं टेलीग्राम पे ऐसा ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन डालता हूँ, हिडन एप्लीकेशन डालता हूँ जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरे टेलीग्राम को आके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आपको। और अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है एडिटिंग में या कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से सिंपली इंस्टाग्राम पे डीएम करके मेरे से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको पूरा का पूरा हेल्प करूंगा 110%। तो चलिए आज के वीडियो पे इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो का लाइक हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक, आशा करता हूँ आप लोग कंप्लीट कर दोगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो की तरफ गाइस, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।